subscribe our channel and never miss another update. चलिए हाजिर है कॉन्फिडेंट बूस्टर में। कॉन्फिडेंट बूस्टर मावला क्लासेस की ही नहीं, मतलब एमसीए की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्यों? ये तय करेगा आपके कमेंट्स, और आप लास्ट पार्ट पे देखिए तो आपको जद हो जाएगा कि मावला क्लासेस की ये मोटिवेशनल सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट बन गई। कहती है, एनालिसिस कहती है कि कभी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस के बिना आप एग्जाम को तय ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा आपका दिशा और आपका डायरेक्शन और आपका मोरल तय करता है। विदाउट कॉन्फिडेंस, विदाउट आत्मविश्वास कभी भी जंग नहीं लड़ी गई। ये बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर और बहुत सारा इतिहास के युद्ध और लड़ाइयां और सारी चीजें जस्टिफाई करती हैं। तो एग्जाम टाइम पर बहुत सारे ऐसे योद्धा, कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आके रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब मेरे से एग्जाम नहीं होने वाला। तो मैं देख कर सरप्राइज हो जाता हूं कि ये सारे जो होनहार टॉपर्स बनने वाले हैं उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट जो सोच ही रहा है कि हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो वो पहले ही तलवारों की आवाज से और एग्जाम की खनखनाहट से ही भाग जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि तैयारी से ज्यादा कॉन्फिडेंस पर, अपने आत्मविश्वास पर और अपनी चीजों को, एग्जाम की मनोदशा को और अपने माइंडसेट को सेट करना है, एक अपर लेवल पर सेट करना है और उसको डाउन नहीं होने देना है। तो अगर आपको जज करना है और अपने आप को मोरल बढ़ाना है तो इस सीरीज में एंटर हो जाइए, क्योंकि ये सीरीज कॉन्फिडेंस बूस्टर है, यानी कि बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आज हाजिर है पार्ट नंबर 9 में। इसका मतलब है कि 8 पार्ट पहले ही आ चुके हैं। अगर अभी आपने नहीं देखे हैं तो इतना से उस प्लेलिस्ट को देखिए, कॉन्फिडेंट बूस्टर। आज का टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट 1। 7 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। तो क्या आप इंतजार है कर रहे हैं उन सारे 7 क्वेश्चन को जो पूरी दिशा और दिशा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तय करेंगे? चलिए बढ़ते हैं, अपने आगाज को शुरू करते हैं और दिशा और दशा को तय करते हैं। चलिए, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा का, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो जरूर प्रयास करें, मतलब बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैथ पॉसिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट। पहला क्वेश्चन यहां पे ये रहा, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ 5x² प्लस या देखे 13x प्लस के बराबर 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ध्यान दें तो k की वैल्यू जो k है वो अननोन क्या होगा? ऑप्शन तय करेंगे 0, 5, 1 by 6 एंड 6 होगा। तो आंसर जरूर आपको कमेंट्स के थ्रू करने हैं। यहां पर कॉन्फिडेंस बूस्टर में जितने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर देंगे आपको, आंसर्स करने हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस और कन्वर्सेशन में आप आएंगे तो दूसरों का भी आंसर्स आपको कन्वर्सेशन से पता चल जाएगा। तो आपको देखना भी है और लास्ट तक क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर्स भी देने हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए आंसर जरूर दें, गलत और सही आप नहीं पूरा डिस्कशन तय करेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन को आपको करने की आदत डाल लें। 2+2+ यहां 1/2+1/2+1/2+1/2+ इनफाइनाइट ऐसा पैटर्न है। तो क्या इसकी वैल्यू 1-√2, क्या इसकी वैल्यू 1+√2, क्या इसकी वैल्यू 1+-√2 और नन ऑफ दीज क्या होगी? जरूर लगाएं, ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। कॉन्फिडेंस बूस्टर का एक उद्देश्य है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको करने हैं। तीसरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x²-3 mod x+2=0, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करें जहां पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी एक्सप्रेशन में मॉड का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ऑप्शन ले लेते हैं, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, जो भी हो आप सुटेबल आंसर्स को आंसर बनाएं। यहां पर लिया गया ट्राइंगल PQR जहां पर एंगल R जो है π/2 है और tan PY2 एंड tan QY2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax²+bx+c=0 जैसा लिखा गया है। तो और जहां पर a नॉन जीरो है, मतलब वो जीरो नहीं है, देन कंडीशंस कौन सेटिस्फाइड करेंगे a b c में, वो ऑप्शंस के आधार पर दी गई है। a ऑप्शन कहता है कि a+b=c है, b ऑप्शन कह रहा है कि b+c का सम जो है जीरो है, और c ऑप्शन कह रहा है कि a+c=b है, और d ऑप्शन है b=c। जो भी सुटेबल आंसर आप आंसर करते हैं, बार बार बोल रहे हैं,
पांचवें क्वेश्चन बढ़ते हैं कि P and Q are the roots of the equation, लिखा गया होगा x square plus px plus q बराबर 0, तो suitable value of P and Q बताई गई होगी, पूछी गई होगी, तो options हैं P बराबर 1 और Q बराबर 3, B option P बराबर 1 और Q बराबर 0, and और में अंतर होता है, आप ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, C option है P बराबर minus 2 and Q बराबर minus 1, और D है none of these, अभी तक के पांच questions बहुत ही अच्छे लिए गए, last दो questions वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत शानदार है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus 2 upon x minus 1 बराबर, यहां पे लिखा गया 1 minus 2 upon x minus 1, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, क्या वो 1 होंगे, 2 होंगे, 0 होंगे, इनफाइनाइट मेनी वैल्यू होंगे, जो भी सुटेबल आंसर्स हो करिए, आप आंसर्स करिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देखने में ये ऐसा लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस आपको करने ही है, 2 sin e की पावर x बराबर 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x, देखने में थोड़े अजीब लगे कि नहीं हो पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस का प्रचलन है, आते हैं तो आप जरूर करें, ऑप्शन है 0 1 2 नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, रट एट अ टाइम मेथड पे होते हैं, तो आपको करें, इनसे डरे नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक अच्छा टॉपिक है और कॉन्फिडेंस बूस्टर एक अच्छी सीरीज है, लास्ट टाइम पर एग्जाम टाइम को देखते हुए आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए और टॉपिक बाय रिवीजन करने के लिए, आपके पास अगर मटेरियल नहीं है, यहां 7 क्वेश्चंस का मतलब है कि 70 क्वेश्चंस के लिए कॉन्फिडेंस देते हैं, ऐसे क्वेश्चन अपने बुक्स में जो भी तैयारी करता है बच्चा उसके पास बुक्स होते हैं, पर बुक्स में पढ़ना कैसे होता है, उस दिशा को और उसके डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए और कैसे क्वेश्चंस किए जाएं, उसके लिए 7 क्वेश्चंस आपको आधार दे रहे हैं, तो आप जरूर देखें इनको और उनसे उस टाइप के क्वेश्चंस करने का प्रयास करें, इन पर ही हिट करना है, मैंने बोला कि लास्ट टाइम पर आप मेन पार्ट पर हिट करिए, क्योंकि मेन पार्ट ही सबसे ज्यादा क्रैकिंग पॉइंट होता है, तो आप बढ़िए आगे और साथ साथ बढ़िए और दबा दीजिए बटन, तो मावला क्लासेस के हो जाएंगे आप भी साथी और आगे बढ़ते रहेंगे, इस सीरीज में आपको लास्ट में आंसर देना है, ये आपको ध्यान देना है, और नए सीरीज में नए जोश के साथ टॉपिक आप सजेस्ट करते रहे कि कौन सा लिया जाए, और हम चलते हैं अपनी तैयारी में और आप अपनी तैयारी करते रहिए, दोनों तैयारी करते रहेंगे तो कारोबार बढ़ता रहेगा, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।